अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमने इसमें डिस्कस करना है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी हाइट अटेन कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकते हैं। बच्चे, हाइट आपके पास क्या होती है? बेसिकली आपको पता है जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो आपके पास हाइट होती है। तो यहाँ पर भी हम इसको डिफाइन क्या करेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को, द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई द प्रोजेक्टाइल इज नाउन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर यहाँ से आप देखें, यहाँ से देखें, ये यहाँ तक ये हाइट कवर कर रहा है, इसका ये टोटल जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई द प्रोजेक्टाइल इज नाउन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चे, इसमें हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू सम एंगल थीटा, वो फॉरवर्ड भी मूव करता है एज वेल एज वर्टिकल भी मूव करता है। क्योंकि जो हाइट है आपके पास, हाइट का जो रिलेशन है वो वर्टिकल डिस्टेंस के साथ है, लिहाजा हम यहाँ पर टोटल जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट्स यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को आप क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए, जो एयर फ्रिक्शन है उसको आप निगलेक्ट करते हैं और बॉडी जो मूव करती है सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अपवर्ड मूव करती है, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर कि वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो शुरू में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ से नजर आ रहा है ये टोटली वर्टिकल है, ठीक है, तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं लेंगे बल्कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी आई साइन थीटा, क्या होगा, वी आई साइन थीटा। फिर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, तो आपको पता है कि जब भी बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज होती है और स्पीड के या वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी। और जब बच्चे ये फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच कर ये जो बॉडी है कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए रेस्ट पे चली जाएगी, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम हाइट निकालेंगे, उसके लिए हम हेल्प लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे क्या आपके पास, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें हम चीज ये चीज देखेंगे, ए क्या होगा ग्रेविटी के लिहाज से जी, एस क्या होगा डिस्टेंस होगा, वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, जबकि वी आई का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या है, वी आई साइन थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो माइनस जी है, क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे चली जाएगी वो आपके पास जीरो है। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बॉडी, ये टोटल डिस्टेंस हाइट कवर कर रही है एच, तो आपके पास ये आ गया। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर मैं पुट करूंगा, ए की जगह माइनस जी रखेंगे, एस की जगह एच, वी एफ की जगह जीरो और वी आई की जगह वी आई साइन थीटा। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, टू ए की जगह माइनस जी, एस की जगह एच इज इक्वल, ये इक्वल का साइन, और वी एफ की जगह फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, माइनस वी आई साइन थीटा इनिशियल कंपोनेंट जो है आपके पास, ठीक है। ये इनिशियल कौन सा कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में आपके पास है, तो उसके लिए लिखें वी आई साइन थीटा इसका स्क्वायर, बाकी माइनस टू जी एच एज इट इज, ये जीरो खत्म हो गया, बाकी बच गया माइनस वी आई का स्क्वायर, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन आपस में खत्म हो जाएंगे, तो टू जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के साथ, चूंकि हमें हाइट निकालनी है तो हाइट के साथ टू जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, एच किसकी कुल आ जाए, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और टू जी इधर आकर डिवाइड हो गया, ये आपके पास रिलेशन आएगा किसका, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का, टोटल हाइट आपके पास ये आपके पास हो चाहिए, ठीक है। अब हाइट के बाद हम आएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट में, किस पे आएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चे, हमने एक प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया और ये डिस्टेंस कवर करते करते यहां पर ग्राउंड को आकर
स्ट्राइक करेगा, वो टाइम जब तक ये प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा, इस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और वो कब से स्टार्ट होता है, जब आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, इन दो पॉइंट के दौरान जितना भी टाइम कवर होता है, जितना भी टाइम कंज्यूम होता है, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, वो टाइम जिसमें एक प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन ली, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब इसे देखें, यहां से शुरू से हम देखेंगे, जब हमने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, तो लिहाजा हम वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट? तो बच्चे यहां पर आप वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे, vi sin थीटा। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, vi cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और vi sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। शुरू में चूंकि आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली, लिहाजा हम इसका कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, vi sin थीटा। उसके बाद चूंकि बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, माइनस जी के इक्वल होगा। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें, देखिए बच्चे यहां से इस लेवल से बॉडी ने स्टार्ट किया और वापस उसी लेवल तक आ गया, इसका मतलब है इसने टोटल वर्टिकल कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। अगर इसने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस अपवर्ड कवर किया, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस डाउनवर्ड कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है टोटल वो इसका क्या है, जीरो है। इसलिए जीरो है क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट से स्टार्ट हुई और सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर आकर लैंड हुई, इसका मतलब है इसने कोई वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं किया, ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस एस की जगह हम लिखेंगे जीरो। अब हमने इक्वेशन में पुट करना है, यहां पर एस की जगह जीरो पुट कर दिया, इक्वल्स टू वी आई, वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, वह वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2, एक जगह लिखेंगे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर एज इट इज। अब इसे देखें, इसको मजीद सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा प्लस और माइनस, ये माइनस आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, ये नेगेटिव है इस तरफ ले आएंगे इसको, ये बन जाएगा पॉजिटिव 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, यानी ये जो पूरी टर्म है इसको इक्वल के इस साइड पे ले। अब इसे देखें इनमें से कैंसिल कौन से होते हैं, ये देखें ये टाइम और ये स्क्वायर जो आपस में ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहां पर सिर्फ बच जाएगा 1/2 जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। हमने निकालना है मुझे टाइम ऑफ लाइट, तो टाइम हमारे पास ये मौजूद है ये, तो टाइम के साथ जो दोनों टर्म्स हैं उनको आप दूसरी साइड ले जाए, तो ये देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गया और टी के साथ ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने इस साइड लेकर दिया तो ये यहाँ पर डिवाइड हो गया। ये टॉपिक आपका आ गया टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला आया आपके पास, टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये दो टॉपिक थे आपके, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपके पास होगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो हम अभी पढ़ते हैं। सोचे आप, हम आते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा आपने अक्सर देखा होगा, या अगर आपको जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो आप देखते हैं कि आप जो पाकिस्तान के पास गोरी मिसाइल है उसकी रेंज है 1200 किलोमीटर। रेंज का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर सकता है, कि अगर आप इसको यहाँ से लॉन्च करें तो ये 1200 किलोमीटर के बाद जाकर ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। यानी लॉन्च भी हमने यहाँ से किया और उसने स्ट्राइक भी कहाँ से किया, ग्राउंड पे किया, तो इसका मतलब है रेंज आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जो कि कोई प्रोजेक्टाइल कवर करता है। तो हम ये कहेंगे द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नाउन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कुछ
फॉरवर्ड जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो लैंड करेगा, स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, टोटल जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करता है उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे पिछले टॉपिक में अभी हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया, उसमें हमने कहा टोटल वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो हाइट होती है, इसी तरह टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहेंगे बच्चे उसको हम लोग? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब बच्चे यहाँ से हमें एक चीज समझ आएगी कि जब हमने हाइट कवर की तो हमने टोटल वर्टिकल कंपोनेंट्स लिए, अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है तो हम टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे। चूंकि आपने यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें एयर फ्रिक्शन को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है कि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि बॉडी टोटली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है कि जो वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है, हमने यहाँ से सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है, वर्टिकल कंपोनेंट वी आई साइन थीटा होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा होगा। उसके बाद आपके पास जो टाइम है, टाइम जो है हमने यहाँ पर निकाला होता पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का टी इज इक्वल टू 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, और उसके अलावा जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r से, r स्टैंड फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या काम करना है? हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at2। s आपके पास टोटल डिस्टेंस है, vi टोटल आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक्सेलरेशन कौन सा है? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने ये वैल्यूज पुट की, एस की जगह आपने पुट किया और वी आई की जगह वी आई कॉस थीटा, टाइम एज इट इज 1/2, एक्सेलरेशन चूंकि हॉरिजॉन्टली जीरो है इसलिए उसकी जगह जीरो पुट किया, साथ टी लिख दिया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट की, आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 जीरो इंटू टी, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, इसकी जगह जीरो लिखेंगे। इसके बाद अगला स्टेप बच्चे गौर से समझे, आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये जो टी है ये सारा फैक्टर जीरो हो चुका है ये वाला। ठीक है, ये जो टी है टी की जगह वैल्यू ये उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, टी किसके इक्वल आ जाएगा? 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस ये टर्म जीरो। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या आता है आपके पास, यहाँ पर आया आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये वी आई और वी आई ये दोनों यहाँ पर वी आई स्क्वायर बना देंगे, फिर क्या बचेगा? 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी बच गया। यहाँ से देख लें आर इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास? वी आई स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय जी बच गया। बेटा ये जो आपके पास है ये तीन टर्म्स ये फार्मूला बना रही है, कौन सा फार्मूला? 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा। बच्चे जब 2 sin थीटा cos थीटा है तो उसकी जगह डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं sin 2 थीटा, तो यहां पर 2 sin थीटा cos थीटा की जगह हम फार्मूला यूज करेंगे sin 2 थीटा, तो रेंज क्या आ जाएगी? vi स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये आपके पास रेंज की मैथमेटिकल फॉर्म है जो हमारे पास क्या आया, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हमने तीन बड़े हाइट रेंज और टाइम, इन तीनों में देखिए बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रही है। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे एट व्हाट एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, के कौन से एंगल पे प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम के लिए आप यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा, 2 साइन मौजूद है, अगर हम 45 एंगल पे रख के स्ट्राइक करेंगे तो उस टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 हो जाएगा, साइन 91 तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पास, एट व्हाट एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ, तो अगर आप 15 एंगल रखेंगे वहां पर रेंज क्या होगी? हाफ हो जाएगी। इस तरह से इन मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर सकते हैं सॉल्व, और ये आपका टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए,
ये आप अभी तैयार करें, ठीक है बच्चे, फी अमान लिया।